I love you so much, my Trigu. प्यार हो गया मुझे यार. हाँ? But Pizza Hut का ही तो पिज्जा चाहिए था. Pizza Hut तो यहाँ पे नहीं है, Pizza Hut तो आगे हो. तो Domino's में आपको Domino's का ही. तो आप Pizza Hut वाला पिज्जा बना के दोगे? पूरा शॉप खरीदना है. पूरा सब नहीं. मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं करता है मेरा केयर, तो इसलिए आज मैं करने वाली हूँ मेरे नील हर्ट्स का डेयर. हेलो नील हर्ट्स, तो कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया, तो भी बढ़िया. गाइस, अगर अच्छे नहीं भी हो ना, तो इस वीडियो के बाद अच्छे हो जाओगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ बहुत ज्यादा खतरनाक वाले डेयर्स. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दिल थाम लो और मेरी वीडियो को एक लाइक तो दे ही दो. बिल्कुल मुफ्त 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 है. गाइस, आप तो देख ही सकते हो मेरा स्किन कितना ज्यादा डल हो गया है पहले से, क्योंकि मुझे ना अभी रोज शूट के लिए बाहर जाना पड़ता है एंड बाहर का डर्ट और पॉल्यूशन हमारी स्किन को तो हार्म करता ही है, और साथ ही में एक्सेस ऑयल. इन सारे प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन अभी मेरे पास आ गया है, जो कि है सेम टाइप्स का एप्रिकॉट फेस वॉश एंड फेस स्क्रब. टाइम्स एप्रिकॉट स्मूथ स्किन क्लेंजर में 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं जूसी एप्रिकॉट्स का, साथ ही में 2% सैलिसिलिक एसिड है, जो कि एक सुपरस्टार इंग्रेडिएंट है जो हमारे स्किन को प्यूरिफाई करता है. साथ ही में गाइस, ये मिनिमाइज करता है एंड प्यूरिफाइज करता है हमारे पोर्स को एंड स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ सेंट आइव्स एप्रिकॉट फ्रेश स्किन 3-in-1 फेस स्क्रब. गाइस, ये ना हमारे स्किन से डीप सीटेड इम्प्योरिटीज को स्क्रब अवे करके डीपली एक्सफोलिएट करता है एंड इसमें 100% नेचुरल एक्सफोलिएंट्स है, जो कि है एप्रिकॉट पिट पाउडर एंड वॉलनट शेल पाउडर. साथ ही में इसके अंदर है सेरामाइड, जो कि हमारे स्किन को बहुत ही ज्यादा फ्रेश एंड स्मूथ फील कराता है. सो गाइस, आप तो देख ही सकते हो ये स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के बाद मेरा स्किन कितना ज्यादा क्लियर हो जाता है एंड ग्लो भी करता है. तो इसलिए तो मुझे ये वाला स्किन केयर रूटीन बहुत पसंद है एंड मैंने इन प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. तो अगर आप भी चाहते हो आपका स्किन एकदम क्लीन फील हो, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो. पब्लिक प्लेस में जाके रोना पड़ेगा. यार, पब्लिक प्लेस में तो आ चुकी हूँ, बट अभी रोना भी पड़ेगा. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बट उससे पहले ट्रेन पकड़ते हैं. टारगेट लॉक्ड. शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है. लगता ही है पागल हो गया. कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बड़ा हरामी हो. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? गाइस, जो नेक्स्ट डेयर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मुझे भीड़ में से किसी भी स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ के चलते रहना है. समझ रहे हो कितना ज्यादा डरावना होने वाला है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो. तो ढूंढते हैं कोई स्ट्रेंजर. कृपया
होने पर है। हाँ? चल रही हूँ आपके साथ, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है ना? थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। यार ये अंकल थे, ये अंकल था पता है तुमको? दूर से लगा कि हमारे एज ग्रुप का होगा एंड मैं चलने लग गई। 1, 2, 3 डेयर तो मैंने कर लिया, लेकिन सब लोग कैसे देख रहे हैं मुझे एक बार बस देखो। ये बच्ची तो सोच रही होगी कि कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। इस लड़के को तो देखो, उसने तो सर से पाँव तक पूरा ऐसे देखा कि कौन पागल आ गया। ओ भाई मारो मुझे मारो। गाइस यार मैंने सोचा था कि यार वो कोई नॉर्मल हमारे उम्र का ही होगा हैंडसम सा बॉय, बट ये तो हैंडसम अंकल निकले यार। अभी क्या करूँ बोलो, और वो पीछे ही खड़े हैं, मैं क्या करूँ? उनसे बात करूँ जाके थोड़ा? नहीं छोड़ दो, तो बात ना करूँ? नहीं मत करो। अच्छा ठीक है, सस्पेंस रख दो उसको थोड़ा, दो तीन दिन अच्छा लगेगा ये सोच सोच के कि मेरे को एक लड़की ने पकड़ा है। गाइस ये वाला डेयर सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मुझे ट्रिगर्ड इंसान को प्रपोज करना है। ओके गाइस डेयर तो बहुत ज्यादा लग रहा है, बट फिर भी आप लोगों ने डेयर दिया है तो करना तो पड़ेगा। यार कुछ तो पंच लाइन सोचो मेरे लिए तुम लोग। उसका निकनेम क्या है? उसका निकनेम है ट्रिगू। तो ट्रिगू डेंगू। डेंगू ट्रिगू के साथ मैच करता है डेंगू। गाइस ये रहा ट्रिगर्ड इंसान का वेरीफाइड अकाउंट, एंड यहाँ पे मैं मैसेज करने वाली हूँ। गाइस मैंने जिंदगी में कभी मैसेज नहीं किया है इनको। ओके रेडी हो जाती हूँ, ठीक है? क्यूट बन के एकदम क्रिंज वाला पिकअप लाइन देंगे हम लोग। कितनी प्यारी है ये। जब से तुमको पहली बार देखा मेरे दिल को हो गया है डेंगू। आई लव यू सो मच माई ट्रिगू। मुझे लगता है प्यार हो गया मुझे यार। ट्रिगो आई रियली 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 लव यू, एंड मैं जरूर आपकी रिप्लाई का वेट करूंगी। जब तक आप मुझे रिप्लाई नहीं करोगे मेरी जिंदगी आपके बिना अधूरी है, तो प्लीज आप रिप्लाई कर दो और मुझे पूरा कर दो। गाइस आई नो कि मैंने कोशिश तो एटलीस्ट की है प्रपोज करने की, मुझे यार इतना तो एक्सपीरियंस है नहीं, मैं तो इतने सारे लोगों को प्रपोज करती फिरती नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने प्रपोज किया है। देखो एकदम रियलिटी दिखा रही हूँ आपको, तो पता नहीं कि ट्रिगू मुझे रिप्लाई करेगा या इग्नोर करेगा हर एक लड़के की तरह। तो ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा ना, तो इसके लिए मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी कि ट्रिगू ने रिप्लाई किया या नहीं किया। So guys, जो next day है उसपे मुझे एक random shop पे जाना है and जाके बोलना है कि मुझे पूरा shop खरीदना है, समझ रहे हो? चलो जल्दी। भैया price कितना है? मुझे पूरा shop खरीदना है। पूरा शॉप खरीदना है? पूरा सब नहीं बिकता, मतलब शॉप आपका पूरा दुकान खरीदना है मुझे। दुकान तो बिकता नहीं है। बिकता नहीं है? मैं पैसा दूंगी ना, आप जितना बोलोगे दूंगी। दुकान बिकता नहीं। देखो इतना अच्छा ऑफर आपको कभी नहीं मिलेगा, मैं आपको इतना अच्छा ऑफर दे रही हूँ पूरा शॉप खरीदूंगी, आप बोलो। इतना अच्छा ऑफर आपको और कभी नहीं मिलेगा, बेच दो आप शॉप तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ज्यादा। बाद में आऊंगी तो बेच दोगे आप सच्ची में? तो प्राइस बता दो। सब कर लूं इतना माल। ओ आपको हिसाब करना पड़ेगा यार सही में। गाइस जो नेक्स्ट डे है बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मुझे डोमिनोज में जाना है एंड बोलना है कि मुझे पिज्जा हट का पिज्जा चाहिए। वाट लगने वाली है मेरी। टारगेट लॉक्ड। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। हाय लिस्ट किधर मिलेगा? okay.
मुझे पिज़्ज़ा हट पिज़्ज़ा चाहिए। पिज़्ज़ा हट पिज़्ज़ा हट पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा? बट पिज़्ज़ा हट का ही तो पिज़्ज़ा चाहिए था। पिज़्ज़ा हट तो यहाँ पे नहीं है, पिज़्ज़ा हट तो आगे हो। तो डोमिनोज में आपको डोमिनोज का ही तो आप पिज़्ज़ा हट वाला पिज़्ज़ा बना के दोगे? नॉर्मल हम लोगों का ये मेनू पे देखिए, डोमिनोज का जितना मेनू में जितना सारा पिज़्ज़ा है ये सब मिल जाएगा। पिज़्ज़ा हट का ज़्यादा मुझे पसंद है तो सामने आप पिज़्ज़ा हट वाला बना के नहीं दे पाओगे? ट्राई करो। हम लोगों का क्रस्ट अलग होता है पिज़्ज़ा का, हम लोगों का पिज़्ज़ा का क्रस्ट अलग है। क्रस्ट अलग है मतलब उस टाइप का थोड़ा बना दो। चॉकलेट पिज़्ज़ा मिलेगा यहाँ पे? आइसक्रीम पिज़्ज़ा नहीं, चॉकलेट पिज़्ज़ा भी नहीं मिलेगा, आइसक्रीम पिज़्ज़ा भी नहीं मिलेगा। हाँ बट पिज़्ज़ा हट में तो चॉकलेट पिज़्ज़ा भी मिलता है, आइसक्रीम पिज़्ज़ा भी मिलता है। उन लोगों का मेनू, हम लोगों का मेनू अलग है ना। चाहे तो हम दूसरा पिज्जा यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। दूसरा पिज्जा? चॉकलेट पिज्जा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जैसा पिज्जा जैसा होता है स्पाइसी फ्लेवर का, मतलब पिज्जा हट वाला टाइप का उस टाइप का नहीं, नहीं होगा। दूसरा ट्राई करके देखिए मैम कैसा लगता है। कुछ थोड़ा स्वीट वाला पिज्जा, पिज्जा हट टाइप का आप ये चीज़ी पिज़्ज़ा ले सकते हैं, लेकिन स्वीट नहीं होगा। या फिर चीज़ कॉर्न, कॉर्न थोड़ा स्वीट टाइप का टेस्ट होता है। आप लोग भी आओ यार पिज़्ज़ा जैसे चॉकलेट पिज़्ज़ा। ठीक है मैम, हम बात करके देखेंगे, मेल कर सकते हैं हम लोग वेबसाइट पे। ठीक है। गाइज नेक्स्ट डेयर है, मुझे पब्लिक प्लेस में जाके साड़ी पहन के पतली कमरिया में डांस करना पड़ेगा। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? Shut up, you puggles! हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। हम सर पीरे पिगड़े हुए नवाब हैं। So guys, आज का वीडियो में जितने भी सारे डेयर्स आप लोगों ने दिया, इतना ज्यादा खतरनाक था कि क्या ही बताऊं। बट फिर भी सिर्फ और सिर्फ मेरे मील हर्ट्स के लिए मैंने सारे डेयर्स कंप्लीट करे हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है यार, लाइक कर दो, बहुत ज्यादा मेहनत लगाए वीडियो बनाने में। एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।